हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो कुछ न्यू आपको दिख रहा होगा। तो जी ऑफ कोर्स मैं अपने न्यू घर में हूं, तो जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से मैं यहां पर लॉक हो चुकी हूं और मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूं। दोनों ही हमारे घर हैं लेकिन जहां पे हम रहते हैं परमानेंट वहां पे हम नहीं जा पा रहे हैं। तो आज अपने न्यू किचन से मैं न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूं विद नवरात्रि की। नवरात्रि में आप इसको खा के किस तरह से काफ़ी अच्छा वेट लॉस करें, काफ़ी अच्छा सा पेट क्लीन करें, क्योंकि नवरात्रि में हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिन लोगों को मेडिसिन खाने की आदत हो जाती है, जिन लोगों को और सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो व्रत में कैसे ये चीज़ें करें। तो उसका सलूशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। और जिन लोगों ने न्यू चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट से वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने नीचे दिया है। और नवरात्रि में मैं जैसा बोल रही थी, सबसे दिक्कत ये होती है कि आपका पेट किस तरह से क्लीन हो, और पेट क्लीन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ऑफकोर्स आपका ऐसे ही वेट लॉस होगा। और बहुत ही जल्दी उसका वीडियो में मैं डालने वाली हूँ कि लॉकडाउन में मैं किस तरह से अपना वेट लॉस कर रही हूँ, मैं किस तरह से कैसे चीज़ें खा रही हूँ व्रत में, और किस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जी हाँ, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक कढ़ाई लेनी है, पैन लेना है, जो चीज़ भी हो वो चीज़ लेना है। तो आपको एक कढ़ाई लेनी है और फ्लेम गैस को अपना ऑन कर देना है। और इसके बाद आपको इसमें डालना है जीरा। मैं आपको इसकी क्वांटिटी कम दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसे बना के रखा हुआ है। तो जस्ट आपको एक ट्रायल बेस पे मैं दिखा रही हूँ, और इसे आपको रोस्ट कर लेना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। तो ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है और आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, वरना मिक्सी नहीं अवेलेबल है तो आप इस तरह से भी इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गरम ही गरम पीसेंगे तो ये आराम से पीस भी जाएगा। इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको इसे लेना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, और आपको इसे हाफ टेबल स्पून रोज रात में गरम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ खाना है। इससे आपका वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, इससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाइंग होगी, और जो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत अच्छे से फ्रेश रखेगा। और अगर आपके पेट साफ हो रहे हैं और तो माइंड आपका वैसे भी सूटेबल रहने वाला है। और बहुत ही अच्छा सा ये साधन है कि अगर आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ये चीज़ घर में अवेलेबल है, और इसे कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो उस तरह से आप इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत सी इजी सी रेसिपी है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको लेना है जिस तरह से मैंने बताया है, और प्रॉपर वे में लीजिए, डेली यूजेस में लीजिए, इससे आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा। और अगर आप व्रत नहीं भी हैं और आपके घर में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है तब भी आप इसको खा सकते हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।